तो यार लेटेस्ट वन प्लस के लॉन्च के साथ ना कुछ ऐसा फील होने लग गया कि वन प्लस को अभी इंटरेस्ट नहीं रहा है कि मार्केट में अपना नाम बनाए रखना है। मतलब क्योंकि यार वन प्लस नॉट टू टी अगर आप देखोगे ना, इसको रेकमेंड करने का मेरा मन कर ही नहीं रहा है, बट मैं आज फिर भी आप सबके लिए कंपैरिजन ले आया हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि इसको लेना चाहिए या फिर वन प्लस नॉट टू अभी भी अच्छा है, जिन लोगों के पास है उनको उसके साथ स्टिक करना चाहिए या फिर अपग्रेड करना चाहिए, या फिर हमारे पास कंपटीशन के अंदर पोको F4 आ चुका है, आईक्यू नियो 6 आ चुका है, काफी सारे फोन्स हैं यार, कंपेयर कर दूंगा। चलो फटाफट से बात करते हैं इन दोनों फोन्स की। देखो यार OnePlus Note 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो वाली सारी चीजें आपको याद होंगी, तो फटाफट से मैं कंपैरिजन कर देता हूं। देखो OnePlus के दोनों फोन्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है एक 90 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले जो कि आपको HDR 10 प्लस सपोर्ट दे देती है। एंड आज के टाइम पे भी OnePlus ने ऐसा नहीं सोचा कि हम अंडर 30,000 वाला फोन लेके जा रहे हैं, तो क्यों ना 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे, क्योंकि और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, वैसे एक ही है जो कि 144 हर्ट्ज भी दे रहा है, बट OnePlus ने कहा नहीं, वी विल स्टिक टू दोस प्लान्स जो कि हम पहले करते थे और आज भी वही सब करते रहेंगे, एंड पीपल विल लव अस। तो ठीक है, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है, बट स्टिल यार 120 हर्ट्ज अब तो आना चाहिए ना। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दे दिया, दोनों फोन्स में ही है। यहाँ पर एक चेंज हुआ है, MediaTek Dimensity 1300 देखने को मिल रहा है, पहले 1200 था, 1300 इक्वल्स टू 1200 चेंज क्या हुआ है, हाइपर इंजन 5.0 आ गया 3.0 की जगह पे, एंड बोला जा रहा है कि गेमिंग में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। यार ऑलरेडी ही Dimensity 1200 के ऊपर गेमिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और 1300 में आके आपको ना 19-20 का फर्क भी नहीं दिखेगा, 19 and 19.5 का दिख सकता है, बट 19-20 का फर्क भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हाइपर इंजन कोई इतना चमत्कार नहीं करने वाला कि आपकी गेमिंग एकदम से तगड़ी हो जाएगी। सो यू कैन मतलब अज्यूम कर लो, क्योंकि सीधी सी बात है Dimensity 1300 और 1200 में एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है, ना ही उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, ना ही GPU कोर्स में, ना ही CPU कोर्स में, सो नथिंग टू वरी अबाउट। मतलब अगर आप वहाँ पे BGMI, यहाँ पे BGMI, Apex Legends कहीं भी खेलोगे दोनों में सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी यार। बट आपको मैं फर्क बताता हूँ क्या है, Note 2 जो है वो CPU थ्रॉटलिंग में काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, बट Note 2T जो है वो CPU थ्रॉटलिंग में फेल हो रहा है। मतलब B-Bomb की वीडियो मैंने देखी, रिपोर्ट्स चेक कर चुका हूं मैं, एंड यहां पर भाई साहब ये 50 के ऊपर मतलब 60 के नीचे आ चुका है, CPU थ्रॉटलिंग अराउंड 55% ऐसा ग्राफ देखने को मिल रहा है, यानी कि ये फोन हीटिंग ज्यादा नहीं कर रहा, 40-41 डिग्रीज के ऊपर जाके ही इसकी बैंड बच जाती है, थ्रॉटलिंग शुरू कर देता है। एंड ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, Note 2 नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। अब Dimensity 1300 की वजह से मुझे भी नहीं पता भाई साहब, बट हो रहा है। डिजाइन अगर आपने देखा होगा तो OnePlus Note 2 का काफी डिसेंट एलिगेंट प्यारा सा था, और यहाँ पर 2T का भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, काफी एलिगेंट सा प्यारा सा, बट जब तक आप उसके कैमरा मॉड्यूल पे नजर ना मारो, हाँ कुछ डिफरेंट लग रहा है, मार्केट से काफी हटके लग रहा है, बट एक्चुअली में लोगों को पसंद ज्यादातर नहीं आ रहा, मैं कॉमेंट चेक कर रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं ये क्या बना दिया है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट अजीब सा लग रहा है। ये ऑनर Huawei के फोन्स बनाते हैं वो काफी बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और अच्छे लगते हैं, पर इसके ऊपर थोड़ा अजीब लग रहा है। एक अपग्रेड हुआ है आउट ऑफ द बॉक्स, हमें एंड्रॉइड 12 देखने को मिल गया है विद ऑक्सीजन 12.1, बट द थिंग इज यहां पर फायदा क्या रहेगा कि आपको एंड्रॉइड 14 तक जाएगा आपका ये फोन, Note 2 जो है वो एंड्रॉइड 13 तक रुक जाएगा, क्योंकि 2 साल के अपडेट्स इस फोन के साथ भी है और उस फोन के साथ भी थे। देखो यार कलर ओएस जैसा लगने लग गया है, बट स्टिल यहाँ पर जितनी रिपोर्ट्स है बोला जा रहा है कि काफी स्टेबल है अभी भी, तो इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आप पुराने वाला ऑक्सीजन ओएस सोचते हो तो वो तो खत्म हो चुका है, दुआओं में याद रखेंगे। कैमरास भी एकदम से सेम है, 50 megapixels, 8 megapixel, 2 megapixel OIS के साथ, बट आपको गेम ये बताता हूँ कि स्टिल OnePlus Note 2 के कैमरास ज्यादातर सिनेरियोस में बेटर काम कर रहे हैं, चाहे डे लाइट के बारे में बात करें, सेल्फीज के बारे में बात करें, चाहे हम बात करें नाइट के बारे में। Note 2 थोड़ा सा नाइट के टाइम पे फोटो खींचने में टाइम लगाता है, बट बेटर रिजल्ट भी देता है। Note 2T में शायद इतने से अच्छे से मतलब ऑप्टिमाइज नहीं किया उस सेंसर को, उतनी अच्छी फोटोज नहीं दे पा रहा है, या फिर होता क्या डे लाइट में बिल्कुल सिमिलर सी फोटोज आ जाती है। तो यहाँ पे कैमरा में कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा, मतलब अभी भी Note 2 इज अ नाइस कैमरा फोन। देखो कॉम्पिटिशन में अब वो भी नहीं है, बाकी और बहुत अच्छे अच्छे कैमराज आ चुके हैं, बट एक और यहाँ पे रिपोर्ट मैंने देखी कि यहाँ पे वीडियो में भी 2T कमाल नहीं कर रहा है। Note 2 काफी स्टेबल वीडियो बनाता है और 2T जो है वो जर्की वीडियोस बना रहा है, काफी हिलती डुलती वीडियोस बना रहा है। तो अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो Note 2 में तो अच्छी हो ही रही होगी आपकी, बट Note 2T में नहीं हो पाएगी। चलो अच्छी बात है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, अलर्ट स्लाइडर है, ये देख के अच्छा लगा, एटलीस्ट इसमें से अलर्ट स्लाइडर को बाय बाय नहीं किया, बट हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलता, मेमोरी कार्ड नहीं देखने को मिलता,
एक और बहुत बड़ा फर्क डाला है, 4500 mAh की बैटरी तो मिलती है बट 65 वॉट की जगह 80 वॉट हो गया है। पर नॉट 2 और नॉट 2 टी में फर्क यही है कि सिर्फ 3 मिनट का फर्क पड़ता है, मतलब वो 30 मिनट्स में अगर चार्ज कर रहा था नॉट 2 तो ये 27 मिनट्स में कर देता है। अब आपकी जिंदगी में ये 3 मिनट कितने ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसके लिए अगर आपको अपग्रेड करना है तो भाई मैं क्या ही बोलूं। अब नाउ सी यार, अगर आप यहाँ पे OnePlus Nord 2 जो है वो ऑलरेडी ओन करते हो तो मेरा यहाँ पे आंसर ये रहेगा, आपको अपग्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि अच्छा वाला आपका यूनिट है, ब्लास्ट नहीं हुआ है, यू आर लकी, आपका एकदम से डिफेक्टेड पीस नहीं निकला, आपका बहुत ही अच्छा पीस निकला और ये आगे भी चलता रहेगा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नॉट टू ई की तो नाम अजीब है यार, मुंह से निकलता भी नहीं है। टूटी, जी हाँ टूटी, नॉट टूटी, वो बाथरूम में लगी थी टूटी, वो वाली टूटी, ये वो वाला फोन आपको नहीं अपग्रेड करना है। और अगर आप यहाँ पे नॉट 2 नहीं ऑन करते हो, स्टिल 30,000 के अंदर एक फोन लेना चाहते हो तो देन लीव दिस OnePlus यार, OnePlus की वो वाली ब्रांड वैल्यू नहीं रही, इन्होंने खुद ही खुद को खत्म कर लिया है यार। मतलब कलर ओएस को बाय बाय, बहुत सारे फोन्स में अलर्ट स्लाइडर को बाय बाय, इसमें आ गया अच्छी बात है, बट स्टिल 90 हर्ट्ज पे चिपके हुए हैं वही वैसे कैमरास, इनके कैमरास इंप्रूव ही नहीं हो रहे। हर बार हर फोन में हम ये बोलते हैं कि कैमरास इंप्रूव कर लो बट दे आर स्टिल स्टिकिंग टू दोज कैमरास एंड टैग लाइंस कि हमारे कैमरास काफी अच्छे हैं बट असल में नहीं होते यार। नाउ पोको F4, देखो पोको F4 एक ऐसा फोन आया है जिसके अंदर आपको डिस्प्ले भी बेटर मिलती है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस तो हेल गुड है क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज की एमोलेड है, ठीक है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करती है, आपको एंड्रॉइड लेटेस्ट मिलता है उसमें, आप अब बस इतना सा है पोको लॉन्चर को उठा के नोवा लॉन्चर भर लेना, आपका एक्सपीरियंस एकदम मजेदार हो जाता है। और यहां पर आपको बैटरी बैकअप तो उस फोन में किलिंग मिल रहा है एंड ऑल्सो वहां पे 67 वॉट का चार्जर भी मिल जाता है, कमाल ही है यार। मतलब वो वाला जो स्मार्टफोन है ना ओवरऑल काफी तगड़ा है, अगर आप उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं कर चुका हूँ, नीचे देख लेना, कंपैरिजन भी है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है आईकू नियो 6, इक्वली गुड फोन, मतलब पोको F4 जैसा, अगर आप यहाँ पर नहीं लेना चाहते वन प्लस क्रम नहीं जा रहे ना, आईकू नियो 6 ले सकते हो, पोको नहीं पसंद आ रहा, आईकू इज अ गुड ऑप्शन, यहाँ पे काफी अच्छी चीजें हैं, सेम चीजें हैं वैसे पोको जैसी, ऑलमोस्ट वही परफॉर्मेंस, वही डिस्प्ले, मतलब बस एक प्लास्टिक बैग है, पोको में आपको ग्लास बैग देखने को मिल जाता है और दोनों में इन हैंड फील काफी अच्छी है। मेरे हिसाब से अंडर 30,000 इस वक्त अगर आप फोन ले रहे हो तो पोको F4 5G एंड ऑल्सो आईकू नियो 6, ये दो स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, आप इन दोनों में से क्यों नहीं लेते हो? और इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हो तो कंपैरिजन का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो जाके। बट आई विल सजेस्ट अगर नॉट 2 है तो नॉट 2 के साथ स्टिक करो, ये टूटी के बारे में सोचना ही नहीं है, ना ही तो नया लेना है ना ही तो अपग्रेड करना है। सीरियसली OnePlus, मुझे आपका फ्यूचर डूबता हुआ दिख रहा है, नथिंग के आने के बाद वैसे भी उसकी हाइप बढ़ रही है और आईकू आपका स्पॉट तो ले ही रहा है, पता नहीं क्या होगा OnePlus का। आपका क्या कहना है मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में आप जरूर से बताइएगा। देखो फोन खराब तो कोई भी नहीं होता, ये भी नहीं है, बट सेंस नहीं बना रहा है लेने के लिए, तो वो चीज को आपने देखना है, ठीक है। तो मैंने अपना यहाँ पर राय बता दी, अब आप अपनी राय मेरे को कमेंट्स में डाल देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल में करके यार किसी मानी का नॉलेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।